हमारी आंखों से दिखने वाली दुनिया के अलावा एक और भी संसार है जिसे सूक्ष्म जीवों का छिपा हुआ संसार कहते हैं। सूक्ष्म जीव वह जीव होते हैं जो एकल कोशिका अर्थात सिंगल सेल के होते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है। जिस तरह से हम इंसान आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी कोशिकाएं भी एक दूसरे से बातचीत करती हैं। कोशिकाओं के बीच में यह कम्युनिकेशन कई अलग अलग तरीके से होता है, जैसे सिग्नल ट्रांसमिशन या फिर केमिकल एक्सचेंज। हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं और ये सेल्स एक दूसरे से बात करते रहते हैं। सेल्स अपनी सेहत की बात अपने से करता है, आसपास के सेल्स के बात करता है, पूरे शरीर के सेल्स की बात करता है और इस कम्युनिकेशन की ही वजह से वेरियस हार्मोन्स के थ्रू हम एक हेल्दी पर्सन रहते हैं। देखिए, जैसे एक सेल होता है कि वो अपने को बताता रहता है तो उसको हम ऑटोक्राइन कहते हैं कि वो हार्मोन कोई रिलीज करता है, वो पुनः सेल पे जाके इफेक्ट करता है। फिर दूसरा होता है कि अपने आसपास के सेल्स से वो कम्युनिकेट करता है, उसको पैराक्राइन कहते हैं। तीसरा होता है पूरे शरीर के सेल्स से भी कम्युनिकेशन चलता रहता है, उसे हम एंडोक्राइन कहते हैं। तो इन्हीं कम्युनिकेशन से हम हेल्दी रहते हैं और अगर ये कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है तो हम अनहेल्दी हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, newstrack.com।